सो हे गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, जिसमें मैं और मेरा दोस्त डार्क एक टावर बनाने वाले हैं, जिसमें हम पार्कोर्स ऐड करेंगे, थोड़े बहुत ऐसे ट्रिकी ट्रिकी चीज़ें ऐड करेंगे, और ऊपर जाके एक फाइनल स्टेज होगा जिसमें हम दोनों को बिना मरे उसको पार करना है, जिसमें मैं एज ए नूब प्ले कर रहा हूँ और डार्क एज अ प्रो, ऑब्वियसली डार्क प्रो है, तो ये डार्क ने बनाया हुआ है। और देखो, ये जो सामने आप देख पा रहे हो, ये मैंने बनाया हुआ है, डर्ट का जो टावर है। क्या करें यार, मैं नूब हूँ तो यही बनाना पड़ा, और डार्क का तो तुम देख ही पा रहे हो कैसे एकदम डायमंड ब्लॉक से एकदम पता नहीं अंदर कैसा बना के रखा। सबसे पहले मैं डार्क को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरा टावर कंप्लीट करके दिखाए बिना मरे, ठीक है? ओके, तो मैं इसे कंप्लीट करके दिखाता हूँ। हार्ड ही बनाया यार तुमने तो, तुम तो वैसे बहुत हार्ड बनाते हो। ऑब्वियसली भाई, तुमने क्या नूब्स को मजाक समझ के रखा है क्या? ओके, तो एक लिखा है यहाँ ट्रैप है और एक है यहाँ पे हमारी एंट्री। बहुत प्यारी एंट्री है तो ज़िगज़ैग। हाँ, अंदर जाके दिखाओ, मान गए। ओके गाइस, तो हम इसके घर के अंदर आ चुके हैं और इसने एकदम बढ़िया वाली एंट्री बनाई है और यहाँ पे है ट्रैप। बहुत बढ़िया ट्रैप है ये। मैं देख इस ट्रैप के अंदर गिर जाऊंगा नूब, तुमने कुछ देखा ही नहीं दोस्त। उसमें नहीं जाने था, मर जाते तुम। यार बहुत अच्छा ट्रैप था भाई, वो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रैप था। लिटरली मैं गेस ही नहीं कर पाया था कि वहां पे भी कूदना है। मैं तो बस ऐसे कूद गया, मैंने कहा शायद से जिंदा बच जाऊं। गाइस, हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, जिसमें मैंने एकदम इनसेन पार्कोर बनाया है जो डार्क पूरा कभी नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसने ये हार्डेस्ट पार्कोर बनाया है। भाई साहब, मैं कैसे करूंगा इसे? मैं इसको सर्वाइवल में करता हूँ, मैं अब तक उसमें आया नहीं। रुको, वाह, ये प्रो बनेंगे। ओके भाई, ये पार्कोर मेरे से होगा ही नहीं, तो कह रहा हूँ सरेंडर कर दो। ये बहुत हार्ड है भाई, इतना दिमाग कैसे लगाया? ओ भाई यार, ऊपर तो ऊपर विदर स्कल्स की आवाज आ रही है, स्केलेटन्स की। यार इसको पहले ही पता लग गया क्या है ऊपर। भाई ये बहुत हार्ड पार्कोर है यार, मेरे से तो देख होगा ही नहीं। ए, यहाँ पर एक ही कैसे और डालने थे मुझे, रुको अभी स्पॉन करता हूँ। छी भाई, देख ये पार्कोर बहुत अच्छा था, मेरे को नहीं पता मैंने कैसे कर दिया। ये इसको बताओ, टाइम अप हो चुका है महाराज जी आप जो कर रहे हैं हमें दिख रहा है इसीलिए नूब है भाई ये, इसने बना भी सेकंड फ्लोर आई गेस। मेरे को उस साइड जाना है क्योंकि ऊपर लैडर दिख रहा है और मेरे को यहाँ से चढ़ना है। यार मैं कहाँ से जाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये, इस लैडर से जाऊँ क्या? ये ट्रैप हुआ तो यार, ये इसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है, मैं क्या करूँ? ओके, तो मैं एक बार ऊपर चलता हूँ फिर देखता हूँ। तो इसने वहां पे विदर्स का स्पॉन कर रखे, बहुत दिमाग लगाया है। आओ आओ नीचे आओ, वेट कर रहा हूँ। ओ भाई, पानी में कूदना है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना पानी में कूदने से, फॉल डैमेज मिल जाएगा ना। ऐसे लोगों को प्रो कौन बना रहा है पहली बात? भाई मैं तो भाई मर जाऊंगा भाई। ओ बच गया मैं भाई, अब ये विदर्स कॉल भाई आ तो नहीं जाएंगे ना कूद के, नूप भाई। इसने यहाँ पे चेस्ट रखा, चेस्ट के अंदर गया। ओके, इसने मेरे लिए, अच्छा मेरे को फाइट करना है यहाँ पे। इसने तो यार मेरे को बहुत ज्यादा वो दे दिया इसने सामान। यार ये सामान तो मेरे लिए बहुत कम है यार, मैं कैसे करूंगा, मार देंगे ये लोग तो मेरे को। भाई तो चाहता हूँ मैं इनको दरवाजा खोल के क्यों बुलाऊं जब मैंने यहीं से मार दूंगा तो। अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई शी भाई भाई ये तो यार बहुत टफ था यार, ये लाइक अब तक का सबसे टफेस्ट था आई गेस। मैं इसको लाइक अगर रेटिंग देनी होगी ना आउट ऑफ 100 मैं इसको लाइक आउट ऑफ 200 दे दूंगा भाई, ये बेस्ट था बेस्ट। यार इसने तो भाई आसानी से पार कर दिया इसको। यार थोड़े से विदर भी स्पॉन करता हूँ यार, ये गायब का हो जाता है बार बार, और थोड़े से स्केलेटन भी कर देता हूँ। अरे भाई मैं तो यहीं से गिर जाता, अरे भाई बच गया मैं, यहीं से नीचे गिर जाता अभी तो। नूब ने ये आई गेस इसका लास्ट चैलेंज है, इसने इतना ही बनाया है। अब ये ऊपर स्पॉन कर रहा है, वाह इसे कोई बताओ कि दिन के टाइम यार ये मैंने सोचा ही नहीं, मैं ऊपर ही नहीं आऊंगा, मैं निपट दूंगा। निपट जाओ वापस लड़ रहे हैं भाई। हेलो भाई, नूब को सिखाओ भाई कोई, लेकिन इसीलिए तो वो नूब है, तेरे को नहीं कह रहा मैं, तू प्रो है, मैं तो ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब मैं इन्हें तो मार ही नहीं सकता ना, तो इन्हें मार ही नहीं सकता यार जी, यार मैं तो इन्हें मार ही नहीं सकता दोस्त। चलो यार इतनी इज्जत रखते स्वॉर्ड फेंक देते, चलो ठीक है, इतना नूप के लिए ले कर रहे, ठीक है तू हटाना भूल गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब मैं यहाँ से, अब ये साइड में रास्ता आपको दिख नहीं रहा था महाराज, बहुत बोल रहा है यार तू, ये ले अब ये ले मजे ले। हाँ क्यों बनाए ये मैंने कर दिया पूरा, ये चीटिंग करी भाई मैंने पूरा कर दिया, लेकिन ये चीटिंग है, मैं स्टिल जिंदा बचेगा, रुक के देखते बताता हूँ। कल आना डार, कभी आना, कल
तो ओके भाई, लेकिन चलो मैं अपना काम तो किया ना भाई। नूब ने चीटिंग करी तो क्या है, लेकिन हमने अपना काम कर दिया भाई। ये सबसे हार्डेस्ट बेस था भाई ये नूब का, लाइक लिटरली तुम देख रहे हो कितना दिमाग लगाया था इसने, लाइक तुम देख रहे हो कितना हार्ड पार्क हो रही है। और ये तो भाई मैंने कभी सोचा ही नहीं था लाइक ये एंट्री भी हो सकती है और ये ग्लास ब्लॉक लग रहा होगा। मैं तो सोचा भाई डायरेक्टली बंदा गिर जाएगा, लाइक क्या ही दिमाग लगाया ये। बेस्ट था भाई ये बेस्ट। मेरा तो कुछ भी नहीं है, बस ब्लॉक ही डायमंड गए हैं, अंदर कुछ भी नहीं है भाई। तू ऐसे मतलब ऐसे बच्चों की तरह कर देगा। मैं क्या यार, असलियत में तो मैं ही नूब हूं ना, तू प्रो है हमारा वाला बेस। ओके नूब क्या है भाई, ऐसे पार कर दो, ये देखो इसको क्या करना है। अरे ओ भाई हां हां, नहीं लावाती उतर नीचे। अरे भाई हेलो भाई, वेरी वेरी गुड भाई। ओके तो नूब हमारे पहले ट्रैप में फॉल हो गया। थोड़ी भाई पहली बार भगवान का होता है, अब मेरी बारी है। ओ भाई यार ये बंदा कैसे करेगा, मेरा तो इसके मुकाबले काफी हार्ड है। चलो देखते हैं दोबारा, देखते क्या कर रहा है ये। आराम से जाऊंगा, इधर कुछ होगा। आ ये देखो बटन लगाते हैं भाई, दिमाग तो है लौंडे में। चलो इसने कोशिश तो करी, मैंने ये लेवल इसी के लिए रखा था। ओके अब इसके लिए पार्कोर है। अभी ये तो बहुत इजी यार, तेरे लिए तो बहुत इजी है ये। यू कर दूंगा यू, देखो अभी यू। अरे क्या यार बालक है भाई बालक। ये देखो ये प्रोनेस देखो ये। अरे यार पैर फिसल गया, कट। ये देखो दोबारा ये सलमान भाई फुटपाथ पे चलते हुए, ये एक नंबर। अब यहाँ पे है तीन डिफिकल्ट जंप्स, क्या ये कर पाएंगे, और इन्होंने कर लिया आखिरी लेडर जंप। क्या मिस्टर नूब कर पाएंगे यार, ये कितना मुश्किल है। As usual, Mr. Noob बोला है मैंने तो। इज्जत भी तो रखनी है ना नाम की, ऐसे थोड़ी हो इतनी आसानी से कर दिया तो नूब कैसे रह गए। Here we go again. क्या Mr. Noob फिर कर पाएंगे? Yes, Mr. Noob ने कर लिया। And the final level. तो अब हमारा आ चुका है फाइनल लेवल। ये बिल्कुल भी प्लेन नहीं है जैसे तो मैं देख के लग रहा है। तो इस लेवल का नाम है मेज। मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ क्या एग्जिट क्या एंट्रीज है। सो ए काइंड ऑफ मेज है। अभी मिस्टर नूब को फिगर आउट करना है कि वो कहाँ से जाएंगे। ये बेसिकली आईक्यू मैप है, लेकिन नूब की आईक्यू तो है ही नहीं। हेलो भाई अभी करके दिखाता हूँ, दो मिनट रुको। बेचारा स्ट्रगल कर रहा है अपनी जिंदगी से, अनन्या पांडे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। फालतू है ये, एक दिन जरूर होगा। मैं हिंट दे रहा हूँ बेचारे को, हिंट देते हैं गरीब को। देखो हिंट की जरूरत पड़ती नहीं, बट ठीक है अभी तुम दे रहे हो तो मना भी नहीं करना चाहिए ना ऐसी बातों को। भाई इसको मेरा हिंट भी समझ नहीं आएगा। दो तो पहले चलो इतना बताता मिस्टर नूब, इस वाली पजल की दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दो वे हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें दो रास्ते दोनों में से एक ढूंढना है, कोई भी ढूंढ लो। वाह कितना मदद किया तुमने भाई, बता दिया, वरना तुम सोचते हो एंट्री एग्जिट है और इसका कोई एग्जिट नहीं है। अरे ये क्या है, कुछ दिख रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है भाई। हेलो मिस्टर नूब आप भी नहीं कर पाए। हम मिस्टर नूब आपको दूसरा बताते हैं, ये है आपका दूसरा पाथवे जहाँ से आप आए हैं। वहां से अगर आप यहाँ से खड़े होके ये जंप मार पाएंगे तो यहाँ से एक आप जंप मार सकते हैं इससे। आपके बस की नहीं है, हम आपको पाथ दे रहे हैं, ये लीजिए आ जाइए। आपके बस की कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते इस जिंदगी में। हेलो वहां पर ब्लॉक था इसलिए कूद नहीं पाया मैं, समझे। ओके तो मिस्टर नूब पहले चैलेंज आ चुके, बट फॉर मी मैं चाहता हूँ कि ये हमारा लास्ट लेवल भी। अरे भाई लास्ट लेवल करना ही नहीं करना, पहले ही निपट जाना है करना है। ऊपर आके सबसे सिंपल चीज, दुनिया की सबसे फेवरेट चीज MLG, ये MLG कर दी तो मैं मान लूंगा कि आप नूब नहीं है। यहाँ से नीचे MLG करनी है, एक वाटर बकेट, एक चांस, एक लाइफ। देखो फिर मत बोलना अगर हो गया तो। लेट्स गो।